जय जिनेंद्र बंधु, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आज से आप लगातार 41 दिन तक देखेंगे सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री साधना शिवोदय तीर्थ न्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 13वीं बार आयोजित 14 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य, जो कि राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के पावन आशीर्वाद से नमोकार ध्यानी गणिनी आर्यिका श्री विद्याश्री माता जी एवं ज्योतिर्विद आर्यिका रत्न श्री विधाश्री माता जी के पावन सानिध्य में अनुष्ठान अध्यक्ष एवं संयोजक जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी रज्जो दीदी रजनी दीदी एवं संध्या दीदी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। इस आयोजन की शुरुआत विगत 3 अगस्त को ध्वजारोहण के साथ हुई। ओम राम प्रोमि इंद्रागच्छगत इंद्राजलादि अर्गम ग्रहणंत्रणुष्या ओम राम प्रोमि अग्नौ आगच्छगत जनमंडौ आगच्छलादि अर्गम ग्रहणंत्रणुष्या ओम राम प्रोमि यमेन्द्र आगच्छगत दीजलादि अर्गम ग्रहणंत्रणुष्या ओम राम प्रोमि नेरतेन्द्र आगच्छगत दीजलादि अर्गम ग्रहणंत्रणुष्या ओम राम प्रोमि वरुणेन्द्र आगच्छगत जलादि अर्गम नृपामतीश्या ओम राम प्रोमि ओम नमो अरहंताडम ओम नमो सिद्धाडम ओम नमो आयरियाडम ओम नमो अच्छायाडम ओम नमो लोये सप्तसाउडम ओम नमो अरहंताडम ओम नमो सिद्धाडम ओम नमो आयरियाडम ओम नमो अच्छायाडम ओम नमो लोय सप्तसाउडम ओम नमो अरहंताडम ओम नमो सिद्धाडम ओम नमो आयरियाडम ओम नमो अच्छायाडम ओम नमो लोय सप्तसाउडम ओम इति मंगल पुष्प प्रष्टिम करो इति स्वाहा। ध्वजारोहण के बाद सभी भक्त विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पहुँचे और पूर्ण भक्ति भाव से श्री जी का अभिषेक किया। चतु कुंभकर्षणे चतु गति विनाशने जिना शांति धारा के संपन्न होते ही संगीत के साथ सभी भक्तों ने भगवान की मंगल आरती उतारी। आरती के दौरान भक्तों ने खूब भक्ति भी की। ओम रिम श्रीकांते विश्वादि वीरांते प्रभु जिनेन्द्र ऊपर सुगंधिता चतु कुंभकल धारा के ताई जलादि अर्गन पामती शाह। बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने मंत्रों एवं पूजन की पंक्तियों का मधुर उच्चारण कर सभी क्रियाएं सानंद संपन्न कराई। अमर कुशमानी करुण क्षमा मानसी सौम के नागपाल वनपाल अष्टपाल विमल सागर सांत सागर देवी नमोकार मंत्र के महापद महापद महाबल लक्ष्मीपाल लक्ष्मी पंचदेवी कलिकुंड स्वामी चंद्रपति कन्याकुंड धनन धनी पद्मावती महुआ ईडर देवर कलिकुंड दिशा धनन पद्मावती सहित ऋषि मंडल गर्दन बाबा ओमनाथ महाकाल शिवनान मड़ी भद्र मड़ी मोहनरा मई पाल दीपाल पंच चौबीस रवि सोम मंगल बुद्ध गुरु शुक्र शनि राहु की नगर देवता ई ग्राम नगर वन शमशान घंट शिवगिरी श्यान श्रीदीप क्षेत्रपाल घंटर महाकाल कलवर दुर्गा काली चमंडल सोम चंद कमलाई आदि समस्त कुल देवता समस्त देवी देवता जो भी यहाँ पूजन विधान में आए उनकी ओर से हकिल भव्य जीवानाम विश्व की ओर से धर्म प्राण चतुर्विध संघ की ओर से गणनी आर्का विद्याश्री संघ की ओर से हम अपनी ओर से समस्त विधान करने वाले करवाने वाले पारस चैनल को देखने वाले और पारस चैनल के 10 वर्ष पूरे होने वालों की तरफ से आदिनाथ के चरणों में अनर्घ प्राप्त जयमाला पुनर्गम निर्वपावती
रक्षाबंधन वह पर्व है धर्म की रक्षा। हर व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा करे, उसका जो धर्म है, जिसको उसका जो कर्तव्य है, कर्तव्यमेव धर्मा, कर्तव्य ही धर्म है। पिता पुत्र की रक्षा करे, पुत्र पिता की रक्षा करे, माँ बेटे की रक्षा करे, बेटा माँ की रक्षा करे, भाई बहन की रक्षा करे, बहन भाई की रक्षा करे, सैनिक राष्ट्र की रक्षा करे, सर्व राष्ट्र जन सैनिक की रक्षा करे, राजा प्रजा की रक्षा करे, प्रजा राजा की रक्षा करे, और धर्म की रक्षा धर्मात्मा करे, और धर्मात्मा की रक्षा धर्म करे, यह है रक्षाबंधन पर्व। महानुभाव, हमने इसको मात्र एक परंपरा समझ करके, एक कच्चा धागा बांध के और स्वार्थ के रिश्ते को पूर्ण किया। कभी भाई बहन को अगर जरूरत पड़ जाए तो क्या कोई कितना साथ देता है, ये आज के जमाने में चल रहा देखा जा सकता है। महानुभाव, जब तक हम धर्म की गहराइयों में नहीं जाएंगे, धर्म को जानेंगे नहीं, तब तक पर्व आदि को जानना मनाना हमारे लिए बेमानी है। रक्षाबंधन पर्व इसी हस्तिनापुर की धरती पर 700 मुनियों पर उपसर्ग हुआ था। अन्य संप्रदायों ने मारुचि आदि को बता दिया कि वो ऐसे ऐसे अवतार थे, वास्तव में अनुकंपाचार्य आदि 700 मुनि थे, जिसमें किसी राजा के यहां 3 मंत्रियों का विवाद हो गया था, और विवाद बस उन राजा ने उन मंत्रियों को उन आचार्यों की अवहेलना के लिए निकाल दिया था, और वो राजा, वो तीनों मंत्री मारुचि नमी आदि जो मंत्री थे, वो रुष्ट हो गए मुनिराज से, और किसी कारण वो मुनिराज बिहार करने चले गए। बिहार करते हुए हस्तिनापुर के आए, और इसी हस्तिनापुर में के राजा सिंहरथ था, जो विष्णु कुमार का भाई था, महामुनि विष्णु कुमार थे, उनका भाई था, और उनका राज्य था। उन राज्य में शत्रु ने बहुत उपद्रव मचा रखा था, उन्हीं तीनों मंत्री ने वह उपद्रव हटाया। इसके बाद विधान पूजन आरंभ हुआ और सभी भक्तों ने बड़ी ही तल्लीनता से श्री नमोकार महामंत्र विधान का आनंद लिया। समस्त देवराज घंटा करके महाराज सौधर्म इंद्र देवेंद्र राज आदि समस्त प्रभात ब्रह्मा परमात्मानी सौ सहित समस्त विधान करने वाले, करमाने वाले, देखने वाले, सुनने वाले पारस चैनल वाले के 10 वर्ष में आज हम सब अपनी ओर से 41 दिवसीय विधान के प्रथम दिवस पर जनों का मंद के चरणों में जयमाला पूरा गम पाम। विधान के मध्य इंद्र भैया एवं संघस्थ दीदियों ने भक्तों को खूब भक्ति भी कराई। ओ मेरी माता, मेरी माता, मेरी माता, मेरी माता, विद्याश्री माता, विद्याश्री माता, मेरी माता, मेरी माता, मेरी माता, ओ
ओम रीम परम पूज गणनी आर का विद्या श्री माता जी आर करंत विद्या श्री माता जी की चरण कमला जलादि अर्घुन पम तिशा बंदामी माता जी बंदामी माता जी बंदामी महापद्मा महापद्मा महालक्ष्मी गजेंद्र नागेंद्र भष्मेंद्र गुणमाला स्थिति लक्ष्मी नवोकार मंदिर देवी कलिकुंड स्वामी कलकुंड धीशरा कलकुंड चंद्रपति नागपति नागेंद्र धरणीपति धन महुआ ईडर देवपुरी कलकुंड धीशरा धनपति सहित अक्ष सही ऋषिमनम पालन भाव ओम नाथ महाकाल शक्ति मणिबद्ध मणि मोहनरा महिपाल दी प्रपंच अष्टम चौविशक्षणी गुरुगुण मा पद्मावती अम्रकुशमाणी पद्मावती अम्रकुशमाणी जगदम्बा देवी कलरा देवी इंद्र अग्नि अम्निरत्वान कुशान धने समद दीपाल पंचवास्तु आयु में अंग्र कुमार से रवि श्याम मंगल बुद्ध सुख सरी राहु ई ग्राम नगर वन संगण शिविर श्याम सुती देव छेद पाल घंटा महाकाल काल भैरव भैरव दुर्गा काली चमुंडा ब्रह्मदेव त्रिदेव राजा राम ज्ञानी भाई श्याम चंद कल भाई रज्जो रंज समस्त कुल देवता प्रभार देवता दरबार में बैठे सभी देवी देवता अत्र आगच्छा जलादि अर्घम समर्पयामी स्वाहा उदक चंदन तांदुल पुष्प दई चर सुधीव सुरूप लर्गई धवल मंगल गान भाग लई जिन ग्रही जिन ओम यरंत जी सिद्ध जी आचार्य जी उपाध्याय जी सर्व साधु दात संघ जनमानी दस लक्षण धन शूला कर्म भावना समक दर्शन समक ज्ञान समक चार रत्नात्र त्रिलोक शिवंदी कृत आकृतम चेतल चारो निकाय दीप भम चिनार जिन पंचवर संधि चेतल नंदी शुरदीप शिवंदी बावन चेतल तीर्थराज शमेश कर कैलास गिरनार चंपा बरी पावर जात से जात से अच्छे भगवान की जाट नमो नमः मार्गम पुनः पाम तिशा शांतिनाथ मुख सजन हरी सी अमृत संयम दारी लगरे 108 बराजे निरखंतयम तुलन पंचम चक्रवर्ती बद्दारी सोलम ती दंगर सुखानी इंद्र ने पूछे नायक रमो शांति साधु बिराय दिव्य पट भवन की प्रसाद दंत व्यासन वारि सरसा छत्र चमर बावंडल वारी तुम प्राति हर हनुमान शांति जिने शांति सुविधाई जगत पूज पूज ओसन नाय परम शांति दीजिए हम सबको पढ़े मुनि चार संको पूजे मुने मुकुटार की इटला के इंद्र आदि देवर पूज पदा जाके सु शांति नाथ बड़वन के प्रदीप पे मेरे लिए करो शांति सम मेरे लिए करो शांति मेरे संपूजकों को प्रतिपालकों को इतनी सायंकाल संगीतमय आरती का आयोजन हुआ जिसमें सभी भक्तों ने झूम झूम कर प्रभु की आरती उतारी। सिल बजाया मन तुंग का मन बढ़ाया विद्या विदासिनी उत्सर्ग मिटाया जिसने ध्याया पर लगाया धर्म ध्वजा की शक्ति तुम्ही हो हम भक्तों की भक्ति तुम्ही हो जो तुमरी आरती गावे मन वांछित सबई फल पावे रोग व्याधि नहीं उसे सतावे खुद पिचास दूर भग जावे मैं तुमरे गुण गाऊं बारंबार शीश नवाऊं मेरी कामना पूरी होवे तुमरी जय जय कारा हो भक्तों के परमेश्वर की परमेश्वर की परमेश्वर की। विद्याश्री विधाश्री आश्रम में आज विधान करने के लिए आया हुआ हूँ। हम लोगों ने सुबह यहाँ पे विधान किया और इस समय रंगारंग आरती में हम लोग शामिल हुए। ये वो क्षेत्र है जहाँ पे अरेका विद्याश्री और विधाश्री माता जी का सत्संग चातुर्मास चल रहा है। आज से यहाँ पर 41 दिन की नमोकार मंत्र विधान की आराधना शुरू हुई है। आगम में आया है कि समरंभ समारंभ और आरंभ तीनों का फल एक ही मिलता है। हम लोग छद्मस्थ हैं अपूर्ण हैं पूरी तैयारी के साथ हम कभी कोई काम नहीं कर पाते। हम लोग नित्य नैमित्तिक जो पूजा भी करते हैं उसमें भी वो हम पुण्य जो कमाना चाहते हैं नहीं कमा पाते। अगर हम ये चाहें कि हम पूरा पुण्य अर्जित करें तो एक विधान यहाँ इस आश्रम पर संचालित हुआ है आज से जो 41 दिन तक चलेगा। प्रतिदिन यहाँ पर पूरा संघ विद्याश्री माता जी विधाश्री माता जी संगीत के साथ पूरे आगम की रीति के अनुसार पंचामृत अभिषेक के साथ पूरा यहाँ विधान होता है। आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग इस विधान में अवश्य शामिल हों। आपकी क्षमता है एक विधान करा लें, आपकी क्षमता है 5 विधान करा लें, आपकी क्षमता है 11 विधान करा लें, आपकी क्षमता है 21 विधान करा लें, आपकी क्षमता है 31 विधान करा लें और बहुत अच्छा होगा। मैं तो चाहूँगा कि आप 41 के 41 विधान कराएं। वो असीम पुण्य आपको मिलेगा, वो असीम आनंद आपको मिलेगा कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की।
पुण्य फला अरिहंता। ये पुण्यानुबंधी पुण्य है। सम्यक दृष्टि जब आराधना करने के लिए उतरता है तो उसके पास जो भी आता है वो पुण्यानुबंधी पुण्य आता है, और वो पुण्यानुबंधी पुण्य उसके पास उस समय तक आता है जब तक उसे वो मोक्ष नहीं ले जाता। तो मेरा आपसे सबसे करजोर अनुरोध है, कभी भी अवसर को खोना नहीं चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत सलाह है। इतना सुंदर अवसर, इतना सुंदर आयोजन, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप फिजिकल आना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, तो यहाँ आए। आपकी पूरी व्यवस्था है, धोती दुपट्टे की व्यवस्था है, सामग्री की व्यवस्था है। मैंने कहा ना शुरू में ही कि अनुमोदना, कृत कारित और अनुमोदना, तीनों का फल सेम है। अगर आप चाहें तो घर बैठे ही अपना नाम हमें दे सकते हैं, यहाँ पे लिखवा सकते हैं। 5 विधान कर लो, 11 विधान कर लो, 41 विधान कर लो। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल देखिए दूसरे दिन के दृश्य। जय जिनेंद्र।